नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। तो रुख करेंगे खबरों की ओर। अब ये तय करना है सुबह सपा, और आपको बता दें कि जिस तरह से बयानबाजी का दौर लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है, आम लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जो पार्टियां चुनावी मैदान में है और चुनावी मैदान के बाद यहां पर लगातार जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, वो भी आपको हम सुनवाएंगे। बादा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई बड़े नेता उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने उनके बड़े भाई को गाजीपुर से टिकट दिया है, अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और इससे पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, महासचिव थे, सबसे पहले वो मिलने पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, कई बड़े नेता देख रहे हैं कि उनके परिवार से किनारा कर रहे हैं, भले ही उन्होंने उनकी पार्टी ने टिकट भी दिया हो, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं। आप पहुंचे मिलने, क्या वजह? मैं तो इसलिए गया कि मुख्तार अंसारी जी कई बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के विधायक रहे, आज भी उनके बड़े अफजल अंसारी जी सांसद हैं, पहले बसपा से भी सांसद रहे, उनके एक भाई सुब्रतुल्ला अंसारी जी भी दो बार विधायक रहे, आज भी मुख्तार अंसारी का एक बेटा विधायक है और एक भतीजा विधायक है, तो स्वाभाविक रूप से वो एक राजनीतिक परिवार भी है। विधायक रहते हम लोग हाउस में प्राय मिलते भी रहे, तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक की जेल में हत्या हुई, वो अपराधी रहे हों, माफिया रहे हों, उनको फांसी होगी, आज उन कारावास होगा या कितने वर्षों की सजा होगी, ये सब तो न्यायपालिका तय करती है, लेकिन यूपी की सरकार बिना न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार किए बकौल परिवारजनों कि उन्हें खाने के साथ जेल में जहर दिया जाता रहा और उनकी मौत स्वाभाविक नहीं है बल्कि जहर देकर मारा गया है, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है, सरकार को कड़े में खड़ा करती है, और यदि जहर देकर मारा गया है तो इसका मतलब सरकार खुद अर्हता की शिकार बन गई है। लेकिन एक सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी ने अंदर से कई लेटर लिखे, जुडिशरी को भी लिखे, उसमें उन्होंने कई बड़े नामों के ऊपर आरोप लगाया, चाहे वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हों, मनोज सिन्हा, अपने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, एडीजी एसटीएफ, ऐसे कई नाम थे जिनके ऊपर उन्होंने कहा था कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, साजिश रची जा रही है उनकी हत्या की। स्वाभाविक रूप से इसीलिए ये मामला गंभीर है कि अगर सरकार पर उंगली उठ रही है, सरकार के अधिकारियों पर उंगली उठ रही है, खाने के साथ जेल में जहर दिए जाने की शिकायत मुख्तार अंसारी ने खुद की है, उनके परिवारजनों ने किया है, यहां तक कि इस बाबत मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका के रूप में लंबित भी है, तो अपने आप में बहुत गंभीर है। इसीलिए मेरी मांग है कि इस गंभीर मामले की जांच माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की देखरेख में होनी चाहिए, जिससे कि सच जनता के बीच में आ सके, हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी ऐलान किया चुनाव लड़ने जा रहे हैं कुशीनगर से, तो क्या तैयारी है? गठबंधन के हिस्से के साथ रहेंगे या फिर बाहर से अकेले चुनाव लड़ने का इरादा बन चुका है? कोई बातचीत चल रही है अभी? बहरहाल मैंने कुशीनगर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हम गठबंधन के हिस्से हैं या नहीं है इसका फैसला भी गठबंधन की पार्टियां तय करेंगी। अगर वो हमें मानते हैं कि हम गठबंधन में हैं, तो बातचीत चल रही है, आपके साथ खड़ी होगी, और अन्यथा वो प्रमाण पत्र देते हैं जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण जी को दिया, पल्लवी पटेल को दिया, कि हमारे गठबंधन के हिस्से नहीं है, और अगर मुझे प्रमाण पत्र देते हैं कि गठबंधन के हिस्से नहीं है, तो मैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का प्रत्याशी तो है ही हूं, उसके बलबूते पर लड़ूंगा, और अगर इंडिया अलायंस साथ देती है
तो मैं उसका स्वागत ही करूंगा। लेकिन जिसे आपने ऐलान किया, क्या उसके बाद कोई बातचीत हुई? कांग्रेस के नेता आपके संपर्क में थे, जो प्रदेश प्रभारी है वो आपसे मिलने भी आ चुके हैं। इंडिया अलायंस गवर्नमेंट की दोनों पार्टियों से मेरी वार्ता यूपी में हुई, सूची मांगी गई, मैंने सूची में नाम भी भेज दिए थे। महीनों इंतजार करने के बाद कोई सकारात्मक नकारात्मक कोई उत्तर नहीं आया, तो कुशीनगर की जनता की चाहत और मांग को देखते हुए मैंने कुशीनगर की सेवा के लिए अपने को समर्पित किया, प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। अब आगे और क्या होगा ये तय करने का काम इंडिया अलायंस को है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं, कल मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गए थे। उनका कहना है कि जिस तरह से परिवार ने आरोप लगाया उसको गंभीरता से लेते हुए इसकी सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुशीनगर से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल ये फैसला गठबंधन के दलों को करना है कि स्वयं प्रसाद मौर्य उनके साथ हैं या नहीं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी है। तो आपको बता दें कि इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मित्रों, जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनकर के चुने जाते हैं, तब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल पैदा होता है। और जब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल बनता है तो जीडीपी ग्रोथ करती है और पर कैपिटा इनकम में भी इसी प्रकार से वृद्धि होती है, जैसे गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर हो रही है, हुई है। और अब देश के सामने एक मानक पड़ा है, आज कौन नहीं जानता है। पहले यहां जो था भी किसी समय का निवेश वह प्लान करता था, और पिछले 7 वर्ष में अन्य राज्यों से निवेश यहां आ रहा है, अन्य देशों से निवेश यहां आ रहा है, और यहां के निवेश का वातावरण देश के अंदर जो मोदी जी ने बनाया उसी का परिणाम है कि आज यहां पे एक से एक बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज यहां पर देश की प्रगति के लिए और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो हम कह रहे हैं कि 2027 तक मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, तीसरे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्ष में ही भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी का नेतृत्व स्थापित करेगा, और उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जनपद की होने जा रही है। आज आप देख रहे हैं ना, यहां पे निवेश भी आ रहा है, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी आप यहां पर दे रहे हैं जेवर के नाम पर। 2017 के पहले जेवर नाम से लोग कांपते थे, किसानों के आंदोलन के कारण भी और अन्य कारणों से भी। मुझे याद है 2017 में जेवर में एक बड़ी विभत्स घटना घटित हुई थी। जुलाई का महीना था, मैं कुशीनगर जनपद के दौरे पे था, अचानक इस प्रकार का मेरे पास मैसेज मिला कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। मैं चौंका, मैंने वहां के विधायक को फोन किया, मैंने कहा धीरेन्द्र जी ऐसा ऐसा कोई घटना आपके यहां घटित हुई है? उन्होंने कहा हां घटना घटित हुई है, मैं मौके पर हूं। मैंने कहा इससे माहौल खराब हो जाएगा वहां। उन्होंने कहा नहीं, मैं पीड़ित से मिल चुका हूं, आपकी मैं एक बार बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा पीड़ित लोगों से मुझसे बात कराएंगे टेलीफोन से? उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, सब लोग हमारे उसमें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैंने कहा इसमें कोई संदेह? कहा नहीं, संदेह तो नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि मिल जाए। और उसी समय हमने संकल्प किया था कि भाई जेवर क्षेत्र में जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। अब देखें, लोग बोलते थे यहां एयरपोर्ट बनना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, कोई बनाने की सोच नहीं पाता था, हिम्मत नहीं ले पाता था, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ थे। हर व्यक्ति एयरपोर्ट के नाम पर जो करना चाहता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने कहा नहीं, बनेगा तो जेवर में ही अब बनेगा, और उसके बाद हम लोग लेके आए।
रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए जनता टीवी। अगर चाहिए आपको स्किन ग्लो तो बोलो हेलो। एलोवेरा, नीम, हल्दी व मंजिष्ठर जैसी जड़ी बूटियों से तैयार नेचुरल पतंजलि एलो कांति जेल, ये स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको दे प्राकृतिक ग्लो। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 1, 2, 3 स्टार्ट। I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज अमरोहा पहुंचे। अमरोहा पहुंचने के बाद उन्होंने गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। दरअसल अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने आज नामांकन दाखिल किया, जहां इस दौरान भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। वहीं निशाना साधते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जहां अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, वहीं कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। 2024 के अंतर्गत आज दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी अमरोहा लोकसभा से माननीय कंवर सिंह तंवर जी ने आज नामांकन किया है। हमारी पार्टी अपने 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड के साथ, माननीय मोदी जी के 10 वर्षों के कामकाज के लेखा जोखा के साथ, अपने जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा उसके साथ हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प 400 पार का उत्तर प्रदेश में पूरा करें। अब ये लोग कंफ्यूज है, अभी INDI गठबंधन के जो लोग हैं आप देख रहे हैं, उनके घटक दल प्रमुख समाजवादी पार्टी के लोग रोज अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं। घर में, परिवार में, संगठन में किस प्रकार का अंत विरोध है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी उससे अछूती नहीं है। कांग्रेस भी उसी दिशा चलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर। रात ओवैसी साहब जो है गाजीपुर पहुंचे, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले हैं। देवबंद में बुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को कांग्रेस मुक्त भारत और यूपी को सपा बसपा मुक्त प्रदेश चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में 80 और देश में 400 सीटों के साथ एक बार फिर से मोदी सरकार बनने की बात कही है। जनता पार्टी गठबंधन यूपी में जीत रहा है और देश में 4 जून को 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। सपा बसपा कांग्रेस तीनों को जनता ने यूपी के अंदर तो नकार ही दिया है, लेकिन कांग्रेस को देश में भी नकारने का काम जनता कर रही है। अभी मैं देख रहा था आज ही अरुणाचल प्रदेश में, जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, वहां हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री सहित 10 विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए। यानी कांग्रेस जैसे एक्सपायरी दवा हो जाती है, वैसे एक्सपायरी राजनीतिक पार्टी हो गई है। और कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने पर उन्होंने जमकर निशाना साधा विपक्ष पर। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में केवल भ्रष्ट नेता शामिल है, ऐसे ही नहीं केजरीवाल जेल गए। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है, भ्रष्टाचार में केजरीवाल जेल में बंद है, उनके तमाम मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में बंद है। कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, फिर भी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रजातंत्र बचाओ, प्रजातंत्र को ये नष्ट करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे आने का लक्ष्य ये था
कि प्रिया देखिए 87% जनता की आवाज मोदी जी की आवाज है। आज देश की जनता, देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है। सपा महासचिव शिवपाल यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की ओर से जमकर निशाना साधा जा रहा है, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही वैसी और अपना दल कमेरावादी गठबंधन पर भी शिवपाल यादव ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, हर पार्टी का नेता अपने अपना पार्टी का प्रचार करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता आएंगे वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे और विपक्ष के लोगों पर, जैसे कि विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके, इसलिए ये सब लोग इस तरीके के प्रवृत्त है, कोई कुछ है, कोई कुछ करके हमेशा इनका इतिहास रहा है। देखिए, हम ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो ही ऊंचाइयां पहुंचता है। केंद्रीय चुनाव संग्रहालय और कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि उद्घाटन के दौरान यहाँ पर केंद्रीय चुनाव कार्यालय के शुभारंभ प्रदेशाध्यक्ष उपाध्यक्ष संतोष कुमार ने किया है। दौरान सांसद प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। हमें उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आगरा लोकसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सदस्य विधान परिषद श्री संतोष सिंह जी के करकमलों के द्वारा हुआ है, जिसमें आज आगरा के सभी 9 विधायक, सांसद नवीन जैन साहब, मेयर साहिबा, जिला पंचायत अध्यक्ष और जलेश्वर के विधायक संजय जवाहर, आगरा लोकसभा के सभी सदस्य विधान परिषद सभी लोग उपस्थित हैं और प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये कल से यहाँ से चुनाव का संचालन होगा। कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है, मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि अगली बार 400 पार, आगरा के कार्यकर्ताओं ने भी इस बार 500,000 पार, और मोदी जी जब जून के महीने में 400 एमपियों को लेकर गए माला में, आगरा का भी कमल खेलेगा। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। डिंपल यादव ने कहा है कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है, क्योंकि जितने भी नेता हैं बीजेपी में जाते हैं सभी के कर्मकांड धूल जाते हैं। अगर आप जितने भी नेताओं को देख ले जो भाजपा में गए हैं, तो भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है, जहाँ जाकर सभी जो नेता भाजपा में जाते हैं उनके जितने भी कर्म और कांड होते हैं सब मिल हो जाते हैं और वो एकदम स्वच्छ होके निकलते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी भाजपा जो प्रोपेगेंडा के थ्रू ही पूरा काम कर रही है, जो धरातल में लोगों की समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर रही है, इस सरकार के बारे में जितना कहें उतना कम। मैडम, पल्लवी पटेल और ओवैसी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं। नहीं, अच्छी बात है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी प्रसाद अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दो सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गठबंधन को क्या नुकसान पहुंचा? अच्छी बात है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टियों को लड़ाने का पूरा हक है। अब आज 4 मिनट में 18 मंडल का। पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 3 युवकों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। लोकसभा चुनाव में हथियारों के उपयोग होने का था अंदेशा। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवारियों को रौंदा। मौके पर युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। रायबरेली में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रही है जांच। 50 से 60 वर्ष की उम्र के थे सभी।
आगरा में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक को लाठी डंडों से मारते दिखे दबंग, बीच बचाव में आई महिला से भी हुई मारपीट। कनाज में प्रेमी के आशिक को पति ने मारी गोली, हाथ में गोली लगने के बाद खून से लथपथ होकर गिरा युवक, पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। अलीगढ़ में फ्रिज का गैस फिल्टर फटने से घर में लगी आग, घर में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, स्थानीय लोगों ने समर चलाकर आग पर पाया था। अलीगढ़ में लापता युवक की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने युवक की धार हथियार से काटी गर्दन, पुलिस ने तीन टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिजनौर में हाईवे पर पलटा छोटा हाथी, कार को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा, हादसे में की मौत, छह घायल, पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया है। फर्रुखाबाद में विशेष संचारी रोग दस्तक अभियान की हुई शुरुआत, डीएम एसपी सीएमओ ने किया है शुभारंभ, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान। सहारनपुर में युवक ने अपने पड़ोसी युवक को मारी है गोली, घटना में युवक की हुई मौत, पीड़ित परिवार ने बताया कि हत्यारे ने मोहल्ले का गुंडा बनने के लिए की थी हत्या। रायबरेली में डीएमएसपी ने मतगणना केंद्र स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, एसडीएम तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी निरीक्षण के दौरान रहे मौजूद, आईटीआई गोरा बाजार में बनेगा मतगणना केंद्र स्ट्रांग रूम। फतेहपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, रात में टूटा था 11,000 लाइन का तार, तार के टूटने की शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची विद्युत टीम। आगरा में बीजेपी प्रत्याशी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, फतेहपुर सिकरी की रोड शो कार्यक्रम में बजाए हुटर और सारंग, रोड कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं ने किया है कैप्चर, कार्यक्रम में नहीं दिखाई दी। ललितपुर में पुलिस के सामने दो पक्षों में मारपीट, मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। आगरा में शराब के ठेके के बाहर महिलाओं ने लगाई आग, ठेके में से शराब की बोतल निकाले नाली में फेंकी, 50,000 तक की बोतल नाले में फेंकी। फर्रुखाबाद में बेहोशी हालत में पड़ा ज्ञात युवक, पुलिस के होने के बाद भी नहीं दिया जाता ध्यान, रोडवेज बस स्टैंड के पास हनुमान मंदिर के सामने का ये पूरा मामला। मथुरा में आम व्यापारी ने भगवान राम की लहर में अपना गाना किया रिलीज, राम भक्तों के साथ साथ सनातन धर्म के लोगों ने गाने को खूब किया पसंद। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन से डोली शर्मा ने किया है नामांकन, नामांकन के बाद डोली शर्मा ने दिया है बयान, कहा बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को उतारा जिसने कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मोबाइल बंद किया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।